हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टीवी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ GDNT के बारे में। GDNT के जो पहले टर्म्स हैं फॉर्म और प्रोफाइल, उनमें स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और लाइन ऑफ प्रोफाइल, सरफेस ऑफ प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी इनके लिए वीडियो बना दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंगुलरिटी। जो पहले वाली वीडियोज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं और उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा और बता दूं एंगुलरिटी के बारे में। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि एंगुलरिटी क्या होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और कैसे इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूं कि कुछ लोगों के मन में ये होता है कि एंगल ही एंगुलरिटी है। जो टॉलरेंस दी होती है एंगल के साथ में उसको मान लेते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, फीचर कंट्रोल फ्रेम में दे रखा है एंगुलरिटी हो सकती है 0.2 रेस्पेक्टेड टू डेटम ए। ठीक है, डेटम ए के रेस्पेक्ट में एंगुलरिटी 0.2 में हो सकती है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये 30 डिग्री प्लस में 0.2 है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ये एंगुलरिटी अलग टर्म्स हैं और इसको साइन बार से एंगल और एंगुलरिटी चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा एंगल और एंगुलरिटी में क्या अंतर है। ठीक है, देखो भाई, GDNT के जो भी टर्म्स हैं उनको यूज़ करने का सिंपल सा रीज़न है कि जो हम असेंबली करेंगे उसमें जो दो मेटिंग पार्ट्स हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हमारे पास ये दो पार्ट हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं असेंबली के लिए, पार्ट वन और पार्ट टू। इनकी आप देख रहे हैं, इनमें ये एंगल हैं और ये जो दो सरफेस देख रहे हैं ये आपस में मेटिंग होनी है। ठीक है, ये दोनों असेंबली के टाइम मेटिंग होगी। अगर परफेक्ट एंगल है तो कुछ इस तरह से इनकी मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें टॉलरेंस देख के देखते हैं एंगल के अकॉर्डिंग और एंगुलरिटी के अकॉर्डिंग। इसमें एंगल जो दे रखा है आप देख रहे हैं 60 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री, मतलब 62 डिग्री से 58 डिग्री तक ये हो सकता है इसकी जो टॉलरेंस है, बायलैटरल टॉलरेंस। ठीक है, सेम वैसे ही जो दूसरी आप देखेंगे, दूसरा हमारा जो पार्ट है उसका भी सेम ऐसे ही हम 60 डिग्री प्लस माइनस 0.2 डिग्री, तो उसमें क्या होगा कि हमारा फीचर कुछ इस तरह से हो सकता है। एंगल का जो आप देखेंगे आगे वाला हिस्सा वो बढ़ता चला जाएगा, जितना बड़ा पार्ट होगा उतना ही उसका जो एंगल बनेगा, जो इसमें आप देख रहे हैं गैप, ये इसकी टॉलरेंस उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, तो भाई उसमें सिचुएशन क्या पैदा होगी जब हम असेंबली करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से उसमें गैप बन सकता है अगर वो मैक्सिमम टॉलरेंस पे बनते हैं। तो अगर 62 डिग्री पर बनते हैं, अगर मिनिमम टॉलरेंस पर बनते हैं तो कंडीशन बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएगी, वो या तो इस तरह से बन सकते हैं या फिर दूसरी कंडीशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल सकती है। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप एंगल में टॉलरेंस देते हैं। तो अगर आप फ्लैटनेस भी उसके साथ कंट्रोल करोगे तो भी प्रॉब्लम सेम ही रहेगी, कोई थोड़ा बहुत उसमें अंतर हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम एंगुलरिटी को यूज करते हैं। अब एंगुलरिटी की सिचुएशन में क्या होगा, एंगुलरिटी के केस में क्या होगा कि भाई दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में उनकी टॉलरेंस होगी, जो आपका एंगल वाली फीचर है उसके बिल्कुल यूनिफॉर्मली होंगे। ठीक है, जैसे कि आप ब्लू कलर से यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें आपका जो पार्ट है उसकी मैटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही होती है एंगुलरिटी और एंगल में यही अंतर होता है, आपको देखने से ईजिली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बात करें इसकी डेफिनेशन की, जो आपने समझा वही है। एंगुलरिटी एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल एंड डायमेंशनिंग टॉलरेंस है जो कि मदद करती है कोई भी स्पेसिफाइड एंगल को एक फीचर के बीच में मेंटेन रखने के लिए, या फिर लाइन को या फिर सरफेस को। ठीक है, या तो लाइन जो फीचर है, लाइन या सरफेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, तो उसके बाद जो असेंबली होगी वो कुछ इस तरह से होगी, उसमें कोई माइनर गैप ही रहेगा, असेंबली में परफेक्शन आएगा एंगुलरिटी की सहायता से। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करते हैं वो देखते हैं। एंगुलरिटी को चेक करने के लिए हमको साइन बार की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों साइन बार के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं अलग वीडियो इसके लिए बना दूंगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये साइन बार है जिस पर ये ट्राइंगुलर शेप का जो है ना ये जॉब है, तो इसमें क्या करते हैं स्लिप गेज से इसकी जो हाइट बना लेते हैं, जो एंगल आपका है उस एंगल के लिए जो हाइट की ज़रूरत है ना उस हाइट के स्लिप गेज आप लगा के, और जो डायल है प्लंजर डायल है डायल स्टैंड पे लगा के उसको क्या करेंगे आप लेफ़्ट टू राइट, जो आपके एंगुलरिटी जिस सरफेस पे चेक करना है उस पर लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो डायल में जितना वेरिएशन आएगा ना वहीं एंगुलरिटी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल वाली आपकी सरफेस है ना भाई वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी,
हॉरिजेंटली बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और ये हम किस पे करेंगे, सरफेस प्लेट पे करेंगे जो ग्रेनाइट की बनी होती है। अब आप ये कहेंगे कि इस हाइट का कैसे पता चलेगा, वो पाइथागोरस प्रमेय का आपने नाम सुना होगा, लाल बटा कक्का का यूज करके वो हाइट और एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल, जो एंगल होता है वो भी साइन बार से चेक हो सकता है और एंगुलरिटी भी साइन बार से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर एंगल पता हो तो हाइट इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा एंगुलरिटी क्या है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ मैंने ड्राइंग का नया चैनल और स्टार्ट कर दिया है, जिनको ड्राइंग बेसिक से पढ़ना सीखना है वो अब भी डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे सब्सक्राइब करें ड्राइंग विद मनीष को और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। तो वीडियो कैसा था कॉमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।